हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ फन एकेडमी। और स्वागत है सबका इस सेशन में जो कि आप लोग के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लेकर के आते हैं हम लोग। दैट इज द ल्यूक वॉर्म वाटर सीरीज ऑफ कैमका टेक्नोलॉजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेक्चर नंबर 2। तो राम राम, नमस्कार और आदाब सबको सुबह का। और आज बात करने वाले अपने कैमका टेक्नोलॉजी के ल्यूक वॉर्म वाटर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। सो स्टार्ट अवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मायसेल्फ सुमित प्रजापति, फैकल्टी ऑफ कैमका इंजीनियरिंग इन द एकेडमी प्लेटफॉर्म and having more than 5 plus year teaching experience in the field of chemical engineering gate exams and having 10 plus year teaching experience in the field of chemical engineering undergraduate and the postgraduate itself. ठीक है ना, chemical technology, mechanical operations, fluid mechanics and IPC subject बेटा मैं आपके कवर करूंगा एक बेहतरीन फॉर्म में, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट आप लोग ऑलरेडी इंजॉय कर चुके हो। अगर आप मेरे कोड SKP100 के साथ में बेटा मूव करते हो तो डेफिनेटली आपको एक रियल टाइम गाइडेंस जो है ना वो मिलने वाला है, ठीक है ना। और इसके अलावा गेट कैरियर अपॉर्चुनिटीज, इसके आपका रिसर्च रिलेटेड जितना भी आपका मतलब कि आपका एकेडमिक वर्क रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए डेफिनेटली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे साथ में एंड यू कैन मूव विद द SKP100, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करता हूं तो आज अपना जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द केस ऑफ द जहां से मैक्सिमम टाइप आपके गेट के एग्जाम में क्वेश्चन राइज हुए हैं, जहां से पूछे गए हैं। सो दैट टॉपिक इज द पॉलीमेशन केमिस्ट्री। अगर कोई भी पॉलीमर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो पॉलीमर को फॉर्मेशन होने के लिए वहां पर कौन सी ऐसी मैकेनिज्म, कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि एक पॉलीमर को फॉलो करता है और जिसके थ्रू वो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज बेसिकली द केमिस्ट्री और द मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो आज तक हम लोगों ने पर्टिकुलरली ये दो नाम सबसे ज्यादा सुने हुए हैं, दिस आर द बेसिक दैट आर द एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। So what is this maximum time gate exam question जहां से आया है? जब addition type polymerization की बात करते हैं, this addition type polymerization is basically start with the formation of free radical. So because of involvement of the free radical, क्योंकि यहां पर free radical का involvement हो रहा है, इसलिए इसका नाम free radical polymerization reaction भी रखा गया है और इसको बोलते भी हैं। अब ये free radical का जो involvement है, ये free radical actually में आता कहां से? तो free radicals are डन बाई, इनको क्रिएट करने के लिए सिंपली क्या चाहते हैं, हमें चाहिए होता है या तो कोई भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नॉर्मली हम परोक्साइड्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या स्लाइटली टेम्परेचर राइज करना होता है, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड सेकंड वन इज द रेडॉक्स सिस्टम। रेडॉक्स सिस्टम का मतलब क्या है, कोई भी एक परोक्साइड और कोई भी एक सल्फेट या फ्यूरियस आपका या आपका फेरस आयन, इनके अगर जनरली हम रिएक्शन कराते हैं तो भी आपका जो पर्टिकुलरली रेडिकल का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट करना, वो आपका जनरेट होता है। तो उसको जनरेट करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल जो आपका होता है दैट इज एक्चुअली इन द इनिशिएशन स्टेप। और इनिशिएशन स्टेप में जैसे ही आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट फ्री रेडिकल विल फॉलो द रिएक्शन मैकेनिज्म एंड आपके पास जो मोनोमर होगा दैट मोनोमर विल हैव द डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, दैट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और द एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब यहां से रिएक्शन जब आपकी स्टार्ट होती है देन डबल बॉन्ड विल बी क्रैक्ड, ब्रेक होंगे आपके, और आपके जो फ्री आपका जो रेडिकल था जो इलेक्ट्रॉन था दैट विल पेयर्ड विद द हाइड्रोजन, दैट विल बी फ्री इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, और दैट विल बी नाउ फॉलो द स्टेप ऑफ द प्रोपोगेशन। इन द प्रोपोगेशन द फ्री रेडिकल कंटेनिंग जिसको बोलते हैं एक्साइटेड मोनोमर दैट इज द एक्साइटेड मोनोमर, now that excited monomer get attached with the another monomer to form a chain and again this chain start to propagate hona aapki start ho jati hai kuch is tarah se, theek hai na। aur ultimately kya hai, aapka jo monomer hai that monomer will be available throughout the reaction, matlab wo monomer aisa nahi ki starting phase mein hi aapka finish ho jayega, to throughout the reaction aapka monomer available rahega, that monomer kya karta rahega, jo growing chain hai इसके साथ में आपका अटैच होता जाता है, इस तरह से आपका चैन ग्रो होती जाती है। सो दिस एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द चैन ग्रोथ रिएक्शन और द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहां पर लास्टली जब टर्मिनेशन की बात करते हैं, टर्मिनेशन के टाइम पर हमारे पास तीन टाइप के मेथड है जो कि हम लोग यूज करते हैं टर्मिनेशन के लिए। फर्स्ट ये होता है कि कोई भी दो एक्टिव आपकी जो ग्रोइंग चैन है वो आपस में रिएक्ट कर जाए, तो दोनों की एक्टिव साइट्स आपस में अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो कोई भी एक्टिव साइट नहीं बचेगी, पहला ये होता है। दूसरा आपके पास में होता है कोई भी चैन ट्रांसफर एजेंट का यूज करना, मतलब जो आपकी एक्टिव चैन है अगर ये एक्टिव चैन है तो ये सब क्या करेगी, अपना जो फ्री रेडिकल है किसी दूसरे एजेंट को ट्रांसफर कर देगी, इस तरह से डीएक्टिवेट हो सकती है। तीसरा आपके पास में होता है कोई भी एक इनहिबिटर डालना, इनहिबिटर मान लीजिए
आपके नॉर्मली वो इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइक अब डर्ट पार्टिकल और इंप्योरिटीज, जो रिएक्शन जो आपकी ग्रो हो रही है उसमें क्या करते हैं, आपका रिएक्शन करके एक साइड प्रोडक्ट बना देते हैं, वहां से रिएक्शन आपकी रुक जाती है। ये तीन मेथड से क्या कर सकते हैं, अपना रिएक्शन जो है ना उसको स्टॉप कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलरली प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी आपका कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल या कोई भी बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पार्टीशन फॉर्मेशन रिएक्शन। स्टेप आपको पर्टिकुलरली ये रिएक्शन जितनी भी है पूरा का पूरा आपका एक शॉर्टर टाइम पीरियड में फिनिश होती है। रिएक्शन टाइम बहुत ही आपका क्या कम होता है, इसलिए रिएक्शन बहुत ही आपकी फास्ट होती है। और पर्टिकुलरली यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है दैट विल हैव द हायर मॉलिक्यूलर वेट इन अ शॉर्टर टाइम, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडेंसेशन फॉर्मेशन रिएक्शन की। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट द टू फंक्शनल ग्रुप्स। यहां से आपका नॉर्मली क्या होता है, टू फंक्शनल ग्रुप कहां पर होंगे, दैट विल बी ऑन द मोनोमर साइड। और मोनोमर के जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे दैट विल स्टार्ट टू रिएक्ट। और स्टार्टिंग से ही आपका क्या होता है, स्टार्टिंग से ही बेटा मोनोमर जो होगा दैट विल स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ द डाइमर ट्राइमर। तो आपका जो मोनोमर होता है वो आपका ड्यूरेशन ऑफ द टाइम स्टार्टिंग के कुछ ड्यूरेशन के बाद दैट डिसअपीयर्स, वो आपका डिसअपीयर हो जाता है मोनोमर। और वहां पर आपके क्या बचते हैं, दैट विल डाइमर ट्राइमर टेट्रामर पेंटामर हेक्सामर ऑक्टामर, इस तरह से आपके फॉर्मेशन होने लगता है। एंड फाइनली यू विल फाइंड द ऑलिगोमर, एट द लास्ट यू विल फाइंड द पॉलीमर प्लस अनदर सिंपल मॉलिक्यूल दैट विल बी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया वाटर और सीएल एनीथिंग स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और ये जो केस लिखा है मैंने स्मॉल मॉलिक्यूल हर बार आपका लाइब्रेट नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं पॉलीकैप्रोलैक्टम मतलब नायलॉन 6 का, वहां पर आपका कोई भी आपका वाटर या अमोनिया या सीएल मॉलिक्यूल लाइब्रेट नहीं होता। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपका मॉलिक्यूल लाइब्रेट होगा। सो ये पूरा का पूरा जो स्टेप होता है दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। डाइमर ट्राइमर ये सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए क्या होता है, दिस इज द स्लो रिएक्शन एंड दिस पॉलीमर इज ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप, सो दैट इज नोन एज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और सिंपली यहां पर जो बनने वाला आपका जो आपका पॉलीमर होता है दैट विल हैव द कंपैरेटिवली लोअर मॉलिक्यूलर वेट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन टाइम, और रिएक्शन आपका स्लोली आपका फॉलो अप होती है, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये आता है कि हाउ द मॉलिक्यूलर वेट विल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द पॉलीमर। तो नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि अगर अपना पर्टिकुलरली कोई भी मोनोमर से अगर पॉलीमर बन रहा है, इस बात को बड़ा बहुत ध्यान सुनना, मोनोमर से अगर कोई भी पॉलीमर बन रहा है तो नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि इफ द कन्वर्जन इज हाई देन द मॉलिक्यूलर वेट विल बी हाई। इस पॉइंट को जरा एक बार ध्यान से समझना। सपोज आपने क्या किया है, अगर आपने टू नंबर ऑफ ध्यान सुनना जरा आपने अगर 20 नंबर ऑफ आपने कोई भी अगर क्या लिया हुआ है, कोई भी मोनोमर अगर लिया हुआ है, तो इस 20 नंबर ऑफ मोनोमर का कितना फ्रैक्शन आपका क्या है पॉलीमर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी ज्यादा है, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर अपने पास, बहुत ध्यान सुनना बेटा, अगर अपने पास में अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर हाई है, मतलब 20 जो आपके मॉलिक्यूल्स है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द पॉलीमर लाइक दिस, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है बिकॉज ऑल द 20 इज कन्वर्टेड, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर क्या है, अगर आपका सपोज मान लीजिए आपका कोई भी रिएक्शन टाइम फिनिश होने में टाइम लगता है अगर, तो वहां पर अब होता क्या, जरा अपने पास अच्छे से पता है कि पर्टिकुलरली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वहां पर टर्मिनेशन का स्टेप आता है। सपोज मान लीजिए आपका क्या हुआ, कोई एक पॉलीमरिक चेन इस तरह से ग्रो अप हुई, ठीक है ना, ग्रो अप हुई, दूसरी कोई पॉलीमरिक चेन उसी पर्टिकुलर रिएक्टर के अंदर इस तरह से ग्रो अप हो रही होगी, तीसरी चेन इस तरह से ग्रो अप हो रही होगी, तो हमको पता है इन सभी के अंदर जो नंबर ऑफ आपके जो मोनोमरिक रिपीटिंग यूनिट्स हैं सबके अंदर अलग अलग है। हर पर्टिकुलरली पॉलीमर चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है अलग अलग है, सो वी कांट डिसाइड द एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इन द केस ऑफ पॉलीमर। कैसे समझते हैं जरा, सिंपल द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सबके सब जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 होता है, सबका सब जानते हैं। लेकिन वही हाइड्रोजन जब आपका किसी पर्टिकुलरली जब डीएनए के अंदर फिट होता है, तो उसका अप्रोक्सीमेट जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज द 2 बिलियन अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। अब इसके पीछे का सा लॉजिक क्या है नहीं समझ में आए, इधर देखो, कोई भी आपके पास में एथाइलीन मोनोमर जानते हैं, एथाइलीन मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट 28 है, ठीक है ना। अब अगर हमने क्या किया, अगर आपने फॉर्मेशन रिएक्शन स्टार्ट किया तो वहां पर सिंपली क्या होता है, अगर एथाइलीन मोनोमर ठीक है ना, आपने लिया, सपोज मान लीजिए आपने 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स लिया हुआ है एथाइलीन मोनोमर का, 100% कन्वर्जन तो पॉसिबल नहीं है ना,
ठीक है ना, इन द केस ऑफ द एडिशन और द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो नॉर्मली क्या होगा, अगर आपका 500 यूनिट्स आपको मिल रही है, ये आपको पॉलीमर चेन अलग मिल रही होगी, ये पॉलीमर चेन अलग मिल रही होगी, ये पॉलीमर चेन अलग मिल रही होगी, तो सिंपली आपके पास में तीनों मॉलिक्यूलर वेट का, तीनों पॉलीमर चेन का मॉलिक्यूलर वेट आपको अलग अलग मिल रहा है। सो इन द केस ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वी कंसिडर द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, मीन्स वी विल टेक द एवरेज ऑफ द एवरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एवरी चेन, ठीक है ना। बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज चेन टर्मिनेशन इज अ रैंडम प्रोसेस, किसी चेन का टर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा वो स्लोअर आपकी छोटी चेन होगी, किसी चेन का टर्मिनेशन देर में होगा वो आपकी लेंदी चेन होगी। इसलिए नॉर्मली कन्वर्जन के बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। कन्वर्जन के मतलब क्या है, आपकी ये पर्टिकुलरली जो पॉलीमर बना ये भी कन्वर्जन के थ्रू आया है, ये जो चेन बनी ये भी कन्वर्जन के थ्रू आया है, ये जो चेन बनी ये भी कन्वर्जन के थ्रू आया है। हमारे पास डिसाइड करने का तरीका क्या है, ओनली द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जितना ज्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपको मिलेगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आज बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अपने शॉर्ट फॉर्म में आप नोट करिए। वीडियोस को पर्टिकुलरली लाइक और शेयर करना मत भूला करो बेटा। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपको बेहतरीन लगता है, कमेंट बॉक्स में जाकर के पुट किया करो। आपके कोई भी अगर डाउट्स होते हैं डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है ना। और इसके आगे नेक्स्ट जो आपका पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, जहां से क्वेश्चंस आपके और रिपीट होते हैं वो डिस्कस करेंगे कल। अगर आपको कोई भी कंटेंट अगर यहां पर इनअप्रोप्रिएट लगता है बेटा, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बक्स बाउंटी आपका जो प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइसेस भी मिलेंगे। और दूसरा आपका जो न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है ना, तो न्यू बैच आपका 21st जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। और बहुत जल्द मैं अपना जो सब्जेक्ट है ना मैकेनिकल ऑपरेशन वो भी लेकर के आने वाला हूं प्लस प्लेटफॉर्म। आप वेट कीजिए, थोड़ा सा बस वेट आपको करना है, तब तक अपने प्रिपरेशन मोड में रहिए, ठीक है ना। अगर आप प्लस की तरफ मूव करना चाहते हैं डेफिनेटली आप मूव कर सकते हैं मेरे कोड SKP100 के साथ, ठीक है ना, बिना किसी झिझक के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बेहतरीन गाइडेंस और बेहतरीन क्या एक कॉम्बिनेशन जो है ना वो अपना बनेगा और हम लोग बेहतरीन फॉर्म में मूव करेंगे बेटा। और दूसरा ये है कि अगर आप बेटा प्लस को अगर ज्वाइन करते हो तो प्लस के अंदर प्रॉपर आपको लाइव क्लासेस मैनेज फॉर्म में तो मिलती ही मिलती हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आपकी प्लस क्लासेस की लाइव क्लासेस मिस हो गई है, सपोज आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके लिए क्रैश कोर्स का प्रोविजन रहेगा, वहां पर भी आप कोर्स को लाइव अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए उनको भी आप देख सकते हो, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। दूसरा आपके जो वीकली क्विजेस होते हैं उनका आप इंजॉय कर सकते हो और वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, खुद को चेक कर सकते हो आप किस पर्टिकुलरली लेवल पर आप लाई कर रहे हो। दूसरा आपके पास जो असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं उन असाइनमेंट का प्रॉपर आपका डिस्कशन होता है हर वीक में, हर फोर्थ लेक्चर जो होता है आपका प्लस के अंदर वो डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। अगर तब भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो आपके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो अरेंज की जाती हैं डाउट सॉल्विंग के लिए। दूसरा हिंदी में अभी आपका केमिकल इंजीनियरिंग का प्लस कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में प्रेफरली आपका इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में मूव कर रहे हो तो आपके लिए एक रैंक इंप्रूवमेंट बैच का भी प्रोविजन रखा गया और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स के साथ में आप आइकॉनिक की तरफ मूव करते हो तो आइकॉनिक में ये सारे फीचर्स तो मिलते हैं, लेकिन एक आपका एडिशनल फीचर मिलता है पर्सनल कोच और मेंटर, वो लगातार आपको बेटा जस्टिफाई करके बताएगा किस तरह से आपको अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए प्लानिंग करनी है। दूसरा आप जो पर्टिकुलरली टॉपिक्स में वीक हो तो उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप पर्टिकुलरली अपने मेंटर के साथ मिलकर के अपने लिए स्टडी बूस्टर्स स्पेशल सेशंस आप अरेंज कर सकते हो, वहां से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। दूसरा जो आप टेस्ट सीरीज अटेंड करने वाले हैं तो उससे पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर कैसे आप गलतियां करते हो उनको इंप्रूव करने के लिए आपका एनालिसिस और पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको क्या मिलता है बेटा, नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द आइकॉनिक प्लान। और अभी जो आपके बेटा प्राइसेस हैं वो आपके 22nd जुलाई से हाइक हो चुके हैं, तो अभी आपको बेटा प्लस के लिए जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वन ईयर के लिए, दैट इज द 29,205 रुपीज। और ये आपका अगर मेरा कोड अप्लाई करते हैं SKP100 तो वो लेस करने के बाद आपको इतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सो अभी भी हम इस कॉस्ट के साथ में मूव कर सकते हैं और डेफिनेटली अपने पास जो वन ईयर है पूरा गेट का प्रिपरेशन और दूसरा आपके पास जो PSU एग्जाम का प्रिपरेशन है उसको एक बेहतरीन फॉर्म में कवर कर सकते हैं। आप पर्टिकुलरली इस चीज को EMI बेसिस पर ले सकते हैं, पेमेंट के बाईपार्ट कर सकते हैं, कैश कार्ड जैसा भी आप चाहते हैं वैसा पेमेंट कर सकते हैं। आइकॉनिक के प्लान बेटा एजटीज है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। आप अगर मेरे कोड के साथ में मूव करते हैं तो वहां पर आपको 10% ऑफ तो मिल जाता है। दूसरा ये एक बेहतरीन गाइडेंस और फीलिंग के साथ में हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं बेटा तो आपका जो गेट का जो कॉम्बो ऑफर चल रहा है जहां पर आपका गेट के ESC के साथ साथ आपके प्लस के, ठीक है ना, कैंपस प्लेसमेंट जितने भी आपके रिक्रूटमेंट आपके जो ड्राइव है उसका भी आपका क्या है प्रिपरेशन कराया जा रहा है, उसके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो वर्बल एबिलिटी, पर्सनल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कोडिंग ये सब भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑफर प्राइस बेटा आपको देखने को मिल रहा है 35,033 रुपीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको याद रखना है SKP100 के साथ आप मूव कर सकते हैं। दूसरा अभी तक अगर मेरे को फॉलो नहीं करें तो आप मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपली मेरा नाम टाइप कर सकते हैं सुमित दास प्रजापति और यहां से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को आप रेफर कर सकते हैं, वो लोग भी मैक्सिमम से मैक्सिमम यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स यहां पर अवेलेबल हैं
और आज बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।